जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 12 से भाग करना, 14 से भाग करना, 15 से भाग करना, 19 से भाग करना, मतलब कि दो दो संख्याओं से भाग कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देख सकते हैं 19 की भाग, 15 की भाग, ये सारी की सारी भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आप तो नहीं समझ पाएंगे। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 12 से भाग कैसे करेंगे। हमारे पास इधर दिया है 12 और इधर दिया है 425। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना ये होता है भाग में कि 12 है हमारे पास, तो हम सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे। तो पहली संख्या इधर हमारे पास है 4। तो आप सभी लोगों को पता है कि 12 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है। अगर हम पहाड़ा भी पढ़ते हैं कि ये इतनी बार तब तो भी नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये छोटा है तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं दो संख्याओं को। जब हमने दो संख्याओं को ले लिया तो संख्या बन गई 42। कितनी बन गई, 42। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 42 बनने के बाद अब हम लोग 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाए या 42 से कम आ जाए, लेकिन 42 से ज़्यादा ना हो। चलो पढ़ के देखते हैं। तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 36 और 12 चक 48, ठीक है। अगर हम 4 बार पढ़ देंगे 12 का पहाड़ा तो हो जाएगा 48। तो 48 तो 42 से ज़्यादा होता है। और हमारा भाग में रूल क्या होता है, हमारा रूल ये होता है कि 42 रह जाए या 42 से कम रह जाए, लेकिन 42 से ज़्यादा ना हो। तो 12 के पहाड़े में 42 तो आता नहीं, लेकिन 42 से कम संख्या आती है 36। कितनी आती है, 36। तो कितनी बार गया, 36 कितनी बार गया, 3 बार गया ना। तो 3 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे और कम वाली संख्या मतलब 36 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है इसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो अब देखते हैं, इसको जो भी माइनस करेंगे तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इधर से हम लोग हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। अब इधर हमारे पास 4 था, इधर हमने 1 दे दिया, तो यहाँ पर 3 ही बचे, तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो हमारे पास देखते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12, तो 12 तो बड़ा है 6 से, तो इसलिए इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि अगली वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अगली संख्या कितनी है, 5, तो हम 5 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 65 आ जाए या 65 से कम आ जाए, लेकिन 65 से ज़्यादा ना हो। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36 48 और 12 पंचे 60, 72, ठीक है, 60 और 72, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा 72 तो ज़्यादा होता है 65 से। अब मैं भाग में करना क्या होता है, 65 आ जाए या 65 से कम आ जाए, तो कितना है 60, क्योंकि 65 तो 12 के पहाड़े में आता नहीं है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बार गया, तो जितनी बार गया उतना हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 बार गया तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, और जितना आया 60 आया, तो 60 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब 65 में से 60 को घटाना है, तो 5 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये, तो ये जो 5 बचा है यही इसे हम लोग बोलते हैं शेष, क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये 5 जो बचे हैं वो शेष बचे हैं, इसी को हम लोग शेषफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें 14 से भाग करना है 368 को, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 14 से हमें 368 को भाग करना है। चलो करते हैं, क्या सबसे पहले हम लोग पहली संख्या देखेंगे, पहली संख्या हमारे पास 3 है, ठीक है, पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 3 है जो संख्या, तो इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, तब हम दो संख्याओं को लेंगे। जब हमने दो संख्याओं को लिया तो संख्या बन गई हमारे पास 36। जब संख्या हमारे पास 36 बन गई, तो अब हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 रह जाए, 36 से कम रह जाए, लेकिन 36 से ज़्यादा ना हो। पढ़ते हैं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तें 42, ठीक है, 42। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, 14 तें 42। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि
बयालीस तो 36 से ज़्यादा होता है। जब 42 36 से ज़्यादा होता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये, सिर्फ हम लोग 28 को लिखेंगे क्योंकि हमें 36 से कम चाहिए संख्या और 36 से कम संख्या 28 है हमारे पास, क्योंकि 36 तो 14 के पहाड़े में आता नहीं है। तो 14 दूनी 28, दो बार गया तो दो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, और कितना 28 आया तो 28 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस करते हैं, 6 में से 8 को घटाएंगे तो जाएगा ना, इधर से कहाँ से लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा हमारे पास, इधर 2 बचेगा क्योंकि 3 था एक इधर दे दिया था, तो 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 8 छोटा है 14 से, इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं, 8 है तो 8 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि 14 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 88 आ जाए, 88 से कम आ जाए, लेकिन 88 से ज़्यादा ना हो। पढ़ते हैं, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 42, 14 चक्को 56, 14 पंचे 70, 64 84, 14 अट्ठी आपका 98 हो जाएगा, ठीक है। 14 अट्ठी कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना, 14 सती 98 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना, 98 तो हमें लेना नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, 14 जो हो जाएगा 84, मतलब 6 बार पढ़ेंगे तो 84 आ जाएगा, क्योंकि 84 में 88 से कम लेना है तो 84 हो जाएगा। तो हम 84 यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, और कितनी बार गया था, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन पहले 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 84, मतलब 6 बार गया, तो 6 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और 8 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही जो 4 बचा है, यही हमारा क्या बचा है, शेषफल बचा हुआ है, इसे हम लोग शेष भी बोल सकते हैं, और यही हमारा शेषफल बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस दो भागें हमने देख ली, और इस तरीके से हम लोग भाग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये दो भागें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इनको ध्यानपूर्वक बहुत देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिए। तो हम लोग देखते हैं, इनको भी सीख लेते हैं, फिर आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जो भी आपका डाउट बचा है भाग में, वो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इनको भी। तो क्या, सबसे पहले हमें 15 से भाग देना है 63, मतलब 8 को 638 को, तो कैसे देंगे, तो वही तरीका हम लोग अपनाएंगे यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे, तो पहली संख्या हमारे पास 6 है, तो 6 तो 15 से छोटा है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हम दो संख्याओं को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब दो संख्याओं को जब हमने लिया तो संख्या बन गई 63, 63 बन गए। तो अब हम 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 63 आ जाए या 63 से कम आ जाए, लेकिन 63 से ज़्यादा ना हो, पढ़ लेते हैं। चलो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तय 45, 15 चक्कु 60, 15 पच्चे 75, ठीक है। देख सकते हैं, अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 75 तो 63 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 15 4 बार पढ़ेंगे, 15 चक्कु 60 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कम रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, 63 आ जाए, 63 से कम आ जाए, तो 63 तो आएगा नहीं तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 63 से हमें कम वाली संख्या को लेना है। तो हमने लिया, तो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम देख सकते हैं यहाँ पर संख्या बची है छोटी, 15 ज़्यादा है, 3 छोटा है, तो अब हम क्या करें, इसमें से इसको जब हम लोग यहाँ से ये वाली संख्या यहाँ पर उतारेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 38। जब 38 बन जाएगी तो अब हमें मतलब करना क्या है, अब हमें करना ये है कि 15 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 38 आ जाए, 38 से कम आ जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा ना हो। तो कर लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्योंकि दो ही बार पढ़ेंगे, अगर 3 बार पढ़ देंगे तो 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो दो हम यहाँ पर लिखेंगे, और 30 के क्या क्या करेंगे, 30 जो है 30 हम यहाँ पर लिख देंगे, 15 दूनी 30, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे 15 दूनी 30। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस के 8 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 8 बचा हुआ है और आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोल देते हैं शेष बचा हुआ है, ठीक है, शेष बचा, या इसी को हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाली भाग भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब लास्ट भाग बची है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको भी समझ लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाग का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या कहता है, 19 से हमें क्या करना है, 19 से सबसे पहले हमें पहली संख्या देखनी है, तो 8 है, 8 तो छोटी है, तो क्या करेंगे, जब हम दो संख्याओं को लेंगे यहाँ पर, जब हम दो संख्याओं को लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 19 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 85 आ जाए या 85 से कम आ जाए, लेकिन 85 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं, 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 तय 57, 19 चक्कू 76, 19 पंचे 95, इतना ही रखेंगे।
तो क्या करें, हमें कितना है 85 हमारे पास दिया हुआ है, और अगर हम 5 बार पढ़ देंगे तो 19 पंचे 95 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, 95 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें ज़्यादा क्या करना, ज़्यादा तो हमें रखना ही नहीं है बिल्कुल, तो हमें क्या करना, 85 आ जाए, 85 से कम आ जाए लेकिन 85 से ज़्यादा ना हो। तो करते हैं चलो, तो 76 ही और रखेंगे, तो 4 बार गया, 4 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, और कितना 76 आया तो 76 को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमें कम बारी संख्या लेनी है, तो 85 तो आता नहीं, तो 76 इससे कम यही है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16, मतलब 15 हो जाएगा, 15 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा, और इधर 8 था, इधर हमने 1 दे दिया था, तो 7 ही यहाँ पर भी बचा, 7 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 19 छोटा है, तो अगली संख्या को हम लोग यहाँ पर उतारते हैं, तो उतारने के बाद यहाँ पर संख्या बन गई 97। तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि 97 आ जाए, 97 से कम रह जाए लेकिन 97 से ज़्यादा ना हो। 19 91 19 97 19 96 95, कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 बार यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, और 19 95 95 हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 2 को 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो यही बचा हमारा शेष, 2 जो बचा है ये शेष बचा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।